स्वागत है। मैं भावना राठौर और आप देख रहे हैं हेल्थ न्यूज़। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी द्वारा बुलंदशहर के बवाल में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सपाइयों ने इस घटना की निंदा भी की। श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरएसएस और बजरंग दल के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के साथ साथ ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। हेक्स न्यूज के लिए राजा यादव की रिपोर्ट। आपको जैसा आप जानते हैं, सबको मालूम है कि दो दिन पहले सियाना कोतवाली चंद्रावट चौकी जनपद बुलंदशहर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वाहिनी के गुंडे, आतंकी टाइप के लोगों ने वहां पर हिंसा की, जिसमें सियाना कोतवाली के थाना अध्यक्ष महोदय शहीद सुबोध सिंह साहब को बेदर्दी और बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, उन्हें मार दिया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमने आज ये प्रोग्राम रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ में सरकार को ये चेतावनी दी है। सरकार को ये हम बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप जहां ये कहते हैं योगी जी कि हम ठोक देंगे, मार देंगे, ये तमाम लोग किसकी शह पर पल्ले हैं? ये योगी जी की गोद में पलने वाले लोग हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम के तमाम उनकी गोद में पलने वाले लोग हैं। उन्हें नहीं ठोका जा रहा, उन्हें नहीं रोका जा रहा, उन्हें बिल्कुल आवाराओं की तरह छोड़ दिया है कि तुम जाओ और किसी का भी खून बहाओ। सिविलियंस तो छोड़ो, अब पुलिस पर वार करने लगे। पुलिसों को मारा जा रहा है, अधिकारियों को मारा जा रहा है। क्या करेंगे उसका पीड़िता के क्या होगा? उसके बच्चे ने, सुबोध कुमार सिंह के बेटे ने क्या कहा कि मेरे पापा हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते थे, इन बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उनका कत्ल किया गया। वो सिर्फ इंसानियत की बात क्या करते थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। अब किसके पापा का नंबर है? उनके बेटे ने जवाब दिया। शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। आप तेलंगाना में बैठकर बातें कर रहे हैं, आप तेलंगाना में मोदी जी बाहर, योगी जी बाहर, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? और फिर वहीं पर एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा, तीन बार लॉ एंड ऑर्डर ने ये अल्फाज को बयां किया है कि इसे किसी संगठन से ना जोड़ा जाए, इसे किसी संगठन से ना जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है कि जैसे पिक्चर हॉल में ये कहा जाता है कि इसका इस बात का किसी से संबंध नहीं है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो योगी जी के दबाव में है। हम जोड़ रहे हैं, संगठन ने जितने जोड़ा है, जो लोगों ने काम किया है, उसे टंके की चोट पर कहा जाएगा। और हमारी मांग है योगी सरकार से कि तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्ष जांच कराकर उन तमाम के तमाम को जेल भेजा जाए, और जेल भेजने के साथ साथ ताकि न्याय मिल सके पीड़िता को, और न्याय के साथ साथ ऐसे लोगों को रोका जाए। इन तमाम को, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये जितने भी संगठन है, इन्हें तत्काल प्रभाव से इन्हें बैन किया जाए। ये बेनाथ की बैल की तरह घूम रहे हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं।